माशाल्लाह काबा के यहाँ लोग देखिए, एक वक्त पे 3.5 लाख लोग नमाज पढ़ सकते हैं। यही वो पहाड़ है जिसको कहते हैं जबले सोर। अभी जस्ट ईशा की नमाज खत्म हुई है और रोड पे आप रश देखिए। वेलकम बैक टू द चैनल, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हमारा तीसरा दिन है मक्का में और आज हमारा जो है यहाँ पे ज़ियारत का दिन है। जो टूर से हम आए हैं वो हमें बस में बिठाकर यहाँ के आसपास के जो मस्जिद है और उनके इम्पोर्टेंस क्या है वो सब बताने वाले हैं। तो अभी बज रहे हैं 7:45, पहले जाके हम करेंगे ब्रेकफास्ट एंड देन ब्रेकफास्ट के बाद हमें निकलना है अराउंड 7:30। तो पहले ब्रेकफास्ट करते हैं। यहाँ देखो कितने भीड़ है, सब ब्रेकफास्ट के लिए आए हैं। हमारा पहला स्टॉप था जबले सौर, ये वो जगह है जहाँ हमारे नबी ने शह ली थी कुरैश के लोगों से। तो आज का हमारा पहला स्टॉप है इसको जो बोलते हैं बैल की शक्ल में दिखने वाला पहाड़। आपके बिल्कुल सामने वो पहाड़ है, वो सबसे ऊंचा आपको नजर आ रहा है, उसके ऊपर बड़ा पत्थर नजर आ रहा है, यही वो पहाड़ है जिसको कहते हैं जबले सौर। इसकी बुलंदी है 5,413 फीट। उसके साथ वो गार है जिसको कहते हैं गारे सोर। तो 6 से 7 घंटे लगते हैं ऊपर जाने नीचे आने में, और प्यारे सिद्दीक अकबर प्यारे आका के साथ इस पहाड़ पे चढ़े। यहाँ हमारा असल मकसद मैंने अर्ज किया बख्शिश लेना। ये है अल कुरा यूनिवर्सिटी, यहाँ की वन ऑफ द टॉप यूनिवर्सिटी में से एक। तो अब हम आ गए हैं मस्जिद नमीरा, एक वक्त पे 3.5 लाख लोग नमाज पढ़ सकते हैं। इसके 10 मेन गेट है और 60 दरवाजे हैं, और ये मस्जिद जो है पूरा साल भर बंद होती है। यहाँ पे लोगों को सेटल होना अलाउड नहीं है, यहाँ पे अजाने नहीं होती, नमाज नहीं होती, यहाँ पे अजाने और नमाज सिर्फ हज में होती है। तो यहाँ पे सिर्फ लोग हज में आते हैं, इसलिए अभी दरवाजे बंद है। बट हम यहाँ पे 2 रकात नमाज पढ़ेंगे, हमें 5 मिनट का वक्त है तो जल्दी से नमाज पढ़ लेते हैं। अभी रश देखो कितनी हो गई, कितने सारे लोग आ गए यहाँ पर, एंड अंदर भी काफी सारे लोग नमाज पढ़ रहे हैं। तो ये सब कुछ है, हज की तैयारियां हो रही है तो उसके लिए सारे टेंट्स करने वाले हैं यहाँ पे, सब लोग ये टेंट्स में रहेंगे। ऐसे समय 5-7 मिनट। तो अभी है हम जा रहे हैं जबले रहमत, इस पहाड़ को बोलते हैं जबले रहमत। और यहाँ पे यहाँ की एक्चुअली काफी अच्छी इंटरेस्टिंग बात है जो मैं आपको आगे बताऊंगी, कि यहाँ पे नॉइज बहुत ज्यादा है। बट आप देख सकते हैं कितने सारे यहाँ पे टूर कंपनी वाले आए हैं, गाड़ियाँ देखिए कितने सारे लोग आए हैं यहाँ पे टूर के लिए। यहाँ पे एक फ्ली मार्केट जैसा भी है, यहाँ भी मसल्ले मिल रहे हैं माशाल्लाह, यहाँ भी काफी अच्छी मार्केट लगी हुई है। तो सिमिलर टू द नाइट मार्केट जो हमने कल के व्लॉग में देखी है। यहाँ पे रौनक देखिए, अभी तो एक्चुअली सुबह के 9:30 बज रहे हैं, बट काफी ज्यादा गर्मी है। तो यहाँ की खास बात यह है कि यहाँ पे हमारे प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदम पड़े थे। जब अल्लाह ने आदम अलैहि सलाम और हवा अलैहि सलाम को बनाया था, वो उसके 300 साल बाद एक दूसरे से मिले थे और वो इसी जगह पर मिले थे। इसलिए जगह ज्यादा खास है क्योंकि सबसे पहला इंसान जो अल्लाह ने बनाया था वो थे आदम अलैहि सलाम, जिनको एडम कहते हैं, एडम एंड ईव। तो एडम एंड ईव जो थे वो यहाँ पे पहली बार मिले थे। एंड इस बात की एक मुझे अच्छी चीज क्या लगती है कि जो लोग लाइफ पार्टनर मिलने के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, जैसे मैं खुद अपने लिए एक लाइफ पार्टनर ढूंढ रही हूँ और कभी कभी सोचती हूँ कि इतनी टाइम क्यों लग रहा है, कोई अच्छा इंसान क्यों नहीं मिल रहा है। तो ये सोच के बड़ी दिल को तसल्ली मिलती है कि जो आदम अलैहि सलाम थे उनको भी अपनी वाइफ हवा अलैहि सलाम को ढूंढने के लिए 300 साल लग गए थे। उन दोनों को एक दूसरे के लिए बनाया था, फिर भी 300 साल बाद वो जाकर यहाँ मिले थे। तो हम तो आम इंसान है, हमें थोड़ा वक्त लग रहा है तो क्या ही बात है, बट जब मिलेगा तो वही मिलेगा जो अल्लाह ने हमारे लिए बनाया है। तो अभी हम प्लान कर रहे हैं इस पहाड़ है उस पहाड़ के ऊपर जाने के लिए। तो इसे कहते हैं जबले रहमत, तो जबल का मतलब ही होता है पहाड़, तो ये रहमतों वाला पहाड़ है। तो एक्चुअली इनका सीधा रास्ता खुला नहीं है, अगर आप देखो तो यहाँ से एंट्रेंस है बट वो बंद है, तो थोड़ा घूम के वहाँ पीछे से जाना पड़ रहा है। बट काफी लोग गए हैं तो इंशाल्लाह हम भी पहुंच ही जाएंगे। यहाँ से कुछ ऐसा व्यू है, उधर वो मस्जिद है जिसमें हम अभी गए थे। तो बहुत गर्मी हो रही थी तो हमने सोचा कोल्ड ड्रिंक ले लेते, तो मैंने एक माउंटेन व्यू लिया एंड ये मिला 3 रियाल का। मेरा भाई बता रहा था
होटल वगैरह में ये 2.5 रियाल की मिलती है, यहाँ पे इन्होंने 0.5 रियाल ज्यादा लिया है, तो विच इज नॉट बैड। और बस में लोग आ चुके हैं, बस में चलते हैं और नेक्स्ट स्पॉट चलते हैं। नहीं ना, यही तो कह रहा हूँ, हज पे सब हज में खुलेगा। जो आपको जहाँ सुबह उतारा ना, वो एक इजाफी आपके लिए कि आपको वहाँ कदम रखना मिल जाए, अल्लाह आपको यहाँ भी नसीब फरमाए। ये जो कंकर है, यहाँ से ये कंकर उठा के शैतान को मारते हैं। और बताएगा कितने कंकर उठाते हैं। तो ये वही जगह है जहाँ पे इब्राहिम अलैहि सलाम अपने बेटे इस्माइल अलैहि सलाम को ज़बह करने के लिए लाए थे। हमारे घर वालों की, बच्चों की, सबकी हिफाजत फरमा या अल्लाह, हम सब पर करम फरमा। 70 अंबिया है, उन्होंने यहाँ नमाज पढ़ी थी और अब यहाँ पे उनकी कब्रें हैं। और उस टेंट के नीचे जो जगह है, वहाँ पे शैतान को पत्थर मारा जाता है हज के वक्त। देखिए सब कुछ जो है हज की तैयारी है, इतने सारे कैंप्स लगे हैं, इंशाल्लाह अल्लाह हमें भी मौका दे अपने साथ आने का। काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो उम्रा के वक्त नहीं होती है, हज के वक्त ही होती है, क्योंकि हमें उस जगह से ले जा रहे हैं, तो उस जगह की हिस्ट्री, वहाँ के इम्पोर्टेंस हमें बता रहे हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर पूरी फैमिली के साथ हम आएंगे हज के लिए, दुआ कीजिएगा। ऊपर चढ़ के थोड़ा सा पीछे उतरेगा तो वहाँ थोड़ा सा नीचे उतरना पड़ता है, जहाँ पहली वही नाजिल हुई, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये 5 आयतें जिस पहाड़ पे नाजिल हुई, यहाँ से प्यारे आका ने 40 रातें क्या फरमाया और पूरा काबा शरीफ, मक्का शरीफ पूरा नजर आता। सो अभी हम फाइनली अपने रूम पर आ गए हैं। हमारा टूर काफी अच्छा हुआ एंड सब कुछ रिकॉर्ड नहीं किया, कुछ कुछ चीजें थी जो हमने बस से ही देखी तो वो रिकॉर्डिंग में इतनी समझ में नहीं आती। अभी जो है 12:30 हो रहे हैं, तो आज जो है अभी थोड़ा रेस्ट करेंगे, खाना खाएंगे, फिर चलेंगे हम शाम को वापस से तवाफ करने के लिए। 4:30 बज रहे हैं और हम अभी निकले हैं फिर से हरम की तरफ। एंड अगर आप लोगों को दिख रहा होगा मेरे पीछे, अभी ऑलरेडी मार्केट लग चुकी है, तो दिन में ही मार्केट शुरू हो जाती है। मुझे पहले लग रहा था कि ये लोग शाम को कुछ शुरू करते हैं मार्केट, बट ऐसा नहीं है। अभी जो है हम मगरब और ईशा जो है हरम शरीफ में पढ़ेंगे और उसके बाद हम बाहर आएंगे थोड़ी शॉपिंग के लिए। इस वक्त भी कितने लोग हैं, तो जैसे ही आप हरम शरीफ के पास आते हैं, यहाँ पे ये ठंडे पानी का स्प्रे होता है तो आपको गर्मी का थोड़ा ऐसा रिलीफ मिलता है। एक्चुअली शू की थैली है, हमारे पास 4 ही थैली थी, उसमें से हमारी एक घूम गई, तो हमारे पास 15 थैलियां बची है, उसमें से 2 थैलियां मैं घर भूल गई, 2.5 घड़ी हो रहेगी क्योंकि मगरिब के आसपास ये लोग बंद कर देते हैं, तो इसलिए हमें मगरिब के आधे घंटे पहले तक तो पहुंचना था, तो वो सब 2.5 में वो थैली मेरे से छूट गई। अब एक थैली बची और हम 4 लोग हैं, तो अब देख रहे हैं कि हाउ टू कैरी द शूज। ऑल्सो जब आप अंदर जाते हैं काबा को छूने या फिर बोसा देने या फिर हजरत अस्वद को छूने या बोसा देने, तो अंदर बहुत रश हो जाता है, धक्कम धुक्की भी हो जाती है। कल मेरे डैड गए थे, उनकी बैग जो है वो टूट गई, तो उनका चश्मा टूट गया, तो ये चीज़ का आप ज़रा ध्यान रखें, स्पेशली अगर आपके साथ कोई एजेड लोग है तो उनका आप ज़रा ज़्यादा ख्याल रखें ये सब में अंदर जाते हुए, क्योंकि थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, जो आपको थोड़ा मैनेज करना पड़ेगा। तो ईजिली आप जाकर काबा शरीफ को छू सकते हैं, बोसा दे सकते हैं और बहुत प्यारा लगता है ऐसा करते हुए, तो आप डेफिनेटली कीजिएगा, बट थोड़ा खुद का ध्यान भी रखिएगा। हम फिर से एक और तवाफ के लिए जा रहे हैं और यहाँ का रूल है कि अगर आप एहराम में नहीं हो, अगर आप भले ही उम्रा ना कर रहे हो लेकिन आपको एहराम के कपड़ों में होना है, तो ही आपको नीचे वाले फ्लोर से काबा के पास से करने मिलता है, नहीं तो आपको ऊपर वाले फ्लोर से करना पड़ेगा। माशाल्लाह काबा के यहाँ लोग देखिए, मगरिब का वक्त हो गया है तो अभी यहाँ से हमें हटा रहे हैं और यहाँ पे जो है, यहाँ पे मेंस की नमाज होगी, वुमेंस की नमाज उनके पीछे होगी या फिर अंदर होगी। ये हमारा नमाज का व्यू है अभी का। हमारी ज़ियारत काफ़ी अच्छे से हो गई, तवाफ भी अच्छे से हो गया, एक अच्छी जगह भी मिल गई नमाज़ पढ़ने के लिए। तो आज का व्लॉग यहीं तक, अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, नहीं हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, एंड आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन। टिल देन बाय बाय। अभी जस्ट ईशा की नमाज़ ख़त्म हुई है और रोड पे आप रश देखिए, सिर्फ लोग ही लोग हैं रोड पर अभी।